यार आप पेट्रोलियम इंजीनियर हो ना, तो जब पेट्रोल महंगा होता तो गालियां आपको भी जाती होंगी। तो ये मेरा पुराना दोस्त है, इसको जाले लगे हुए हैं। जाले लगे हुए हैं और जंग भी आ गए। जंग भी आ जाए, कहाँ पे आप सब छोड़े, आप ये देखें इनका कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर है। कोयला और ये जो सारी चीजें इससे साजिद खाएंगे। अच्छा, लकड़ी भी काफी होगी। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग नहीं, एक कहानी है, और कहानी भी वो जो सुनानी नहीं दिखानी है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ DHA लाहौर में वाके डाइस एंड स्पाइस कैफे गया, जो कि बड़ी खूबसूरत जगह है, और उसकी एक मुनफरिद चीज़ जो है वो आप अगर आप देखना चाहें तो वो व्लॉग के एंड तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो आप लोग पहले कैफे देखें, उसके बाद मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। तो कैफे आपने देखा, आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो अब आप आएंगे मिले मेरे दोस्तों से। अच्छा जी, तो जब तक हमारा खाने का ऑर्डर हो रहा है, मैं आप लोगों से अपने दोस्तों का तारुफ करवा देता हूँ कि ये लोग कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। ये है मेरे दोस्त साजिद। साजिद आप क्यों हो, कैसे हो, वजह? सामने मुझे था, स्मार्ट सा लड़का हूँ मैं। इतने भी स्मार्ट नहीं हूँ, स्मार्ट सा लड़का। अनमैरिड शादीशुदा। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा वैसे वो आपके बेटे की बर्थडे कब होती है? जब कभी आप कैमरे में आएंगे आपसे पूछूंगा। यार आप पेट्रोलियम इंजीनियर हो ना, तो जब पेट्रोल महंगा होता तो गालियां आपको भी जाती होंगी। नहीं यार, इस मुल्क का तो कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ उनका है जो मुल्क चला रहे हैं। पेट्रोलियम इंजीनियर की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो इस मुल्क में किसकी वैल्यू है? ये वो बैठे हैं ना फियाज, उनकी पहचान की वैल्यू है। क्या बोला? अरे हेलो फियाज। हेलो, कैसे हैं आप? ये मेरे दूसरे दोस्त हैं, और पक्का वाला दोस्त, पक्के वाला साथ आने वाला हूँ। हाँ, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ, आपको इनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, तो जब आपने मेरे बाकी दोस्तों से मिला, तो अब मिले मेरे इस वाले दोस्त से। ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। वैसे मैं कहना चाह रहा था कि मेरा चट्टी बड्डी है और हम लोग 20-25 साल से साथ हैं, लेकिन इसने कहा कि नहीं, ये नहीं कहना, कहो पुराना। तो ये मेरा पुराना दोस्त है, इसको जाले लगे हुए हैं। कहाँ पे जंग आया? वैसे BTS, मेरे साथ तो सारे इंटरफेक्शन BTS में जाएगा लगता है। हाँ, वसीला से ये बड़ी अच्छी, तेरे फेस पे बड़ी अच्छी लाइट आ रही है। इन दोनों के फेस पे तो लानत आ रही थी ना, इधर भी मतलब वो साथ में साये आ रहे थे तेरे, बिल्कुल सही विजिबल है। तो बैकग्राउंड व्यू भी अच्छा है, जेंड्रीज भी अच्छी बैठी हुई थी। अच्छा, तो बात ये थी कि ये मेरा इसलिए खास दोस्त है कि जो मेरा पहला व्लॉग रिकॉर्ड हुआ था, उसमें जो मैं कह रहा था कि मुझे किसी दोस्त की सपोर्ट चाहिए थी, तो उसमें इस साहब की सपोर्ट थी। हमें ये साथ में कैमरामैन बना के लेकर गए थे, जिसमें हमने तमाम एंगल साथ मिलकर शूट किए, मगर क्या कैमरा हमारे पास था इसलिए हम वीडियो में आ नहीं सके। लेकिन ये है कि आने वाले वक्तों में मैं और ये हमारी ये दोस्त फियाज, हम लोग इंशाल्लाह साथ ही हम ब्लॉगिंग करेंगे और जिसमें हम उसे साथ देखेंगे। मेरा नाम वसीम है और ये फियाज। तो ये ओहो के पीछे भी एक कहानी है, तो चले आए पहले वो देख ले। आप सब छोड़े, आप ये देखें इनका कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर है, एंगल चेक करें। यार अभी सही तो है, गली आ रहा है। तो चले चले वापस आ जाएं, व्लॉग के एंड पे भी पूरा फरमाइशी प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। तो खाने में हमने तुर्किश बारबेक्यू फैमिली प्लेटर ऑर्डर किया, जिसमें तुर्किश चिकन कबाब, अनारी बोटी, तुर्किश विंग्स, अ पोर्शन ऑफ राइस एंड तुर्किश ब्रेड शामिल थी।
और अभी वीडियो के इस हिस्से में वॉइस ओवर करते हुए मैंने डाइस एंड स्पाइस का मेन्यू देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, क्योंकि मेन्यू में इस प्लेटर में मटन कबाब भी मैंशनड है जो कि हमें नहीं दिए गए, विच इज़ नॉट फेयर। डाइस एंड स्पाइस वालों, मैं आपसे अपने पैसे वापस लेने आऊँगा। हमारा खाना आ गया, तो अपेरेंटली ये खाना देखने में कैसे लगा पहले मैं अपने दोस्तों के कमेंट्स लेता हूँ, उसके बाद फिर खाना शुरू करते हैं। हाँ जी, कैसा लगा देखने में प्लेटर ही वाला? ये तो मैंने अकेले ने खा लिया, हम लोग क्या मंगवाओ यार। हेलो, मेरी बात सुनो, आप इस्लामाबाद के बर्गर हो, आपने सिर्फ एक बाइट लेनी है और टिश्यू, मेरी बात सुनो, आप सिर्फ बाइट लेनी है और टिश्यू के साथ मुंह साफ कर लेना बस। 75% मैंने खाना है। आपको कैसा लगा ये प्लेटर? बहुत अच्छा है, ये कोयला और ये जो सारी चीजें इससे साजिद खाएंगे। अच्छा, लकड़ी भी काफी होगी, 75% ये है। आप बताएं वसील, कैसा लगा आपको? लुक वाइज तो माशाल्लाह काफी अच्छा है, ये के खाने में भी इतना टेस्टी हो तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी देखते हैं, चेक के बताते हैं कैसी है। तो अब मेरी बात आ गई, मैं ये कहता हूँ कि इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बाकी अब खाना खाने के बाद बात है। अच्छा जी, तो हमारा खाना खाया गया, पहले मैं सब लोगों से पूछूंगा इनको कैसा लगा, उसके बाद फिर अपनी राय दूंगा। जी दोस्त, कैसा लगा खाना? खाना बड़ा अच्छा था, पहले मुझे लगा कि कम है लेकिन उसके बाद जब खाने लगे तो बरकत पड़ गई और सही खाया, अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था और बेहतरीन। इतना स्लो की बोल रहे हो, आईसीयू में हो? हाँ जी, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, बस कुछ कम तो नहीं था, बस हमने चटनी बहुत ज़्यादा खाई है। उन्होंने एक बार गई थी, हमने चटनी जायज़ होती है? ये BTS में डालना पड़ जाएगा रहने दें। जी, कैसा लगा आपको खाना? माशाल्लाह खाना बहुत औसम था, और यहाँ की स्पेशल जो टर्किश कबाब है वो मुझे इतना पसंद है कि मैं अभी तक खा रहा हूँ। हाँ, दूसरा इनकी चटनी बहुत टेस्टी थी। आपको भी चटनी पसंद आई है यार? मेरे दोस्त कितने गंदे हैं यार, हम चटनियाँ शौक से खाते हैं भाई, क्योंकि चटपटी होती है। बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपको कौन सी चटनी पसंद है। अच्छा जी, मेरे दोस्तों को खाना पसंद आ गया तो मुझे लगता है मेरे पैसे पूरे हो गए, स्पेशली मेरे जो दोस्त, ये वाले जो दोस्त हैं अच्छे वाले जो अभी तक खा रहे हैं, ये इस्लामाबाद से आए हुए हैं, इन्होंने कल वापस चले जाना है, तो स्पेशली इनके लिए ये आज की ट्रीट थी। और ये नहीं पता उसे ट्रीट किस खुशी में थी, मुझे बस बेटा होने वाला है। हाँ हाँ, बस मेरा बेटा होने वाला है, बस अब अगले साल मेरी शादी है तो अच्छा, अगली बात ये थी कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चाइनीज खाया, कॉन्टिनेंटल खाया, एक दफ़ा खाए भी खाया, जब तुर्की वालों ने ये अटरो सामान डाला है, उनकी वीडियोज़ देख देख के और उनके खाने देख देख, सबसे देखा था तुर्किश खाना जो है ट्राई किया जाए, तो इट वॉज गुड और रिकमेंडेड। मैं चाहूँगा कि आप लोग आए यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू क्वान्टिटी। एक और बात, हम लोगों ने जो प्लेटर मंगवाया, आप लोग गेस करें कि ये इसकी क्या प्राइस होगी, या आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से इसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए। जी, तो खाना खाया गया, इसके बाद एक कव्वाली का फरमाइशी प्रोग्राम है जो कि तकरीबन 45 मिनट चलता रहा, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सारा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन उसका कुछ सिलेक्टेड पार्ट है और वो आपको दिखाते हैं, तो आ जाओ।
शाम को हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, खाना भी अच्छा था और दोस्तों का साथ था, और दोस्तों के साथ से बेहतर और क्या हो सकता है। उम्मीद है आपने इस व्लॉग को इंजॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओका।